लगभग 2 साल हो चुके हैं, लेकिन कोरोना के कहर से निजात नहीं मिल सकी है। इसके नए नए रहस्यमयी वेरिएंट सामने आ रहे हैं और दुनिया के तमाम देशों में कोरोना का कोहराम जारी है। दुनिया में कोरोना का वायरस चीन के वुहान शहर से फैला, जहां सबसे पहले कोरोना के केस सामने आए। चीन पर कोरोना से जुड़ी जानकारियां छुपाने के आरोप लगे। चीन पर दुनिया में कोरोना फैलाने का आरोप लगा, लेकिन चीन हमेशा ही ऐसे आरोपों से इनकार करता रहा है। अब चीन ने नया पैंतरा चला है। चीन ने कोरोना फैलाने के लिए दूसरे देशों के सिर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया है। अब चीन, ब्राजील, सऊदी अरब और अमेरिका को कोरोना फैलाने का जिम्मेदार बता रहा है। दरअसल ग्लोबल थिंक टैंक पॉलिसी रिसर्च ग्रुप के रिसर्चर मार्सिल शलीब ने चीन समर्थक एजेंडे से जुड़े ऐसे सैकड़ों खातों की पहचान की है जो कोरोना वायरस फैलाने के लिए निर्यात किए गए कोल्ड मीट की थ्योरी फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीन में सैकड़ों अकाउंट के जरिए ये थ्योरी आगे बढ़ाई जा रही है कि ब्राजील के बीफ, सऊदी अरब के झींगा और अमेरिका के लॉबस्टर कोरोना फैलाने के जिम्मेदार हैं। रिसर्चर मार्सिल शलीब का कहना है कि करीब 18 महीने तक इन अकाउंट्स का अध्ययन करने के बाद ये पाया गया कि कोलकाता स्थित कॉन्सुलेट में एक चाइनीज डिप्लोमेट की तरफ से लॉबस्टर और पॉक वाली थ्योरी को शेयर करना शुरू किया गया था। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि चीन बाकी दुनिया पर कंट्रोल करने के लिए एक उभरती हुई महाशक्ति के रूप में अपनी हर स्थिति का उपयोग कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में रशिया, ब्रिटेन, चाइना, सिंगापुर, यूरोप में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन में डेल्टा वेरिएंट घातक साबित हुआ है, लेकिन अब डेल्टा के ही सब साइनेज AY.4.2 के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है।